आपको बता दें यूपी में कल रात से नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। शादियों में सिर्फ 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति। यहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नाइट कर्फ्यू यहां पर आपको बता दें अब यूपी में शुरू हो चुका है एक बार फिर से। और इस नाइट कर्फ्यू में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। कोरोना को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। जैसे कि पहले से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो परिस्थितियां बाद में ना बिगड़े इसी को लेकर अब ये बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के नजरिए से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक लिमिट भी सुनिश्चित कर दी गई है, यानी कि शादियों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सिर्फ 200 लोग यूपी में शामिल हो सकते हैं शादियों में। और कल रात से नाइट कर्फ्यू जो है वो एक बार फिर से लग जाएगा और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो रहने वाला है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार का ही हम लुक कर लेते हैं। तुषार इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया ये बेहद जरूरी भी था शायद, और क्या कुछ अब कहा गया इसको लेकर नाइट कर्फ्यू को, जानकारी दीजिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम नाइन की बैठक की और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 25 तारीख से यानी कि कल से रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसमें कोई दुकानें नहीं खुलेगी, कोई बाजार नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। इसके अलावा शादी और विवाह जो कार्यक्रम होगा उसमें 200 लोग ही आने की परमिशन होगी। इससे अधिक लोगों के लिए अगर बुलाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको हॉल के बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे और क्या कोरोना टेस्ट हुआ है, वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं, इन सब लेकर पाबंदियां लागू कर दी गई। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो ओमिक्रॉन है उसके भी प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर भी मरीजों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। और साथ ही जो पूरे देश की बात करूँ, देश में भी इस तक बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। देखिए कल 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर को लोग भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, लोग एक जगह पार्टियां करते हैं, तो इस पार्टी को देखते हुए इसमें पार्टी को देखते हुए इस तरह की पाबंदियां लगाई गई कि थोड़ा सा जो लोग हैं वो थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो तेजी से बढ़ रहा है, कई गुना तेजी से वो फैल रहा है। और इसको लेकर WHO ने भी चेतावनी जाहिर की थी, चेतावनी दे चुकी थी कि ओमिक्रॉन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने टीम नाइन की बैठक में अपने रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रखने का आदेश दिया है। ये पाबंदियां कल से शुरू हो जाएंगी, कल रात से ये पूरी पाबंदी शुरू हो जाएगी। आगे देखना होगा कब तक ये पाबंदी रहती है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखना होगा आगे कब तक ये पाबंदियां रहती है, लेकिन फिलहाल इसको फॉलो करना होगा।